मंत्री जी, आज जो आपके आवास पर ये जो कुछ प्रबुद्ध लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर्स लोग पहुँचे हैं, क्या मतलब पूरा किस उद्देश्य को लेकर के मीटिंग है? एक्चुअली वी द पीपल के कंसेप्ट के तले कि जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, अल्टीमेटली आखिर वो सब काम क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उस मिशन मूवमेंट को, जिसको उनके बाद माननीय कांशीराम साहब लेके चले, लेकिन समस्या अभी बनी हुई है, बल्कि पिछले कुछ सालों में समस्या बढ़ गई है। एक तरफ एजुकेशन को इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया है कि हमारे 99% लोग अब इस महंगे शिक्षा के खर्च को नहीं उठा पाएंगे, और दूसरी तरफ जो हमारा विकास नौकरियों की वजह से हुआ था, तो सरकारी नौकरियां धीरे धीरे देश में ख़त्म कर दी गई हैं एक सोची समझी साजिश के तहत। एक तरफ सोची समझी साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा किया ताकि हमारे हाथ से एजुकेशन छिन जाए, और दूसरी तरफ सोची समझी साजिश के तहत ठेकेदारी प्रथा लागू की है और देश के सारे संसाधन एक एक करके बेचे जा रहे हैं। और ऐसे में ये बेशर्म मीडिया, जो चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, वो एकदम चुप्पी साधे हुए है। ना वो महंगाई पे ज़्यादा बोल रहा है, ना वो जो इतने बड़े मात्रा में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, किसी पे 10 ग्राम ड्रग्स पकड़ी गई किसी फिल्म स्टार पे, उस पे इतना शोर, और एक तरफ दूसरी तरफ मतलब 20,000 करोड़ के आसपास की ड्रग्स पकड़ी जाती है, हीरोइन पकड़ी जाती है, और उसके ऊपर टीवी चैनलों पर कोई चर्चा का ना होना, ये इस ओर इशारा करता है कि ये जो आज केंद्र में सरकार है और उसका जो एक भक्त मीडिया है, वो धीरे धीरे भारत को कमज़ोर कर रहा है, भारत को बर्बाद कर रहा है। इसलिए जो बहुजन समाज के लोग, जो देश के मूल निवासी हैं, हम 88% लोग, अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने समाज को कैसे इस परिस्थिति से बचाएं, कैसे इस ठेकेदारी प्रथा से भी हम लड़के मुकाबला करके आगे निकलें, और कैसे इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएँ। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा के लिए आज हमारे निवास स्थान पर विभिन्न संगठनों के लोग, वी द पीपल के बैनर तले सब लोग इकट्ठे हुए, और मिशन जय भीम जो पूरे देश के अंदर रात दिन काम कर रहा है, अभी हरियाणा में बहुत सफल मीटिंग रही पूरे हरियाणा प्रदेश की, अभी राजस्थान में बहुत सफल मीटिंग रही पूरे राजस्थान प्रदेश की, उसके बाद गुजरात में बहुत सफल मीटिंग रही, और कल इलाहाबाद के अंदर मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है। तो चारों तरफ लोगों में एक भूख है कि ये बाबा साहेब का जो आंदोलन है और माननीय कांशीराम साहब वाला जो आंदोलन है, अब उसको सही दिशा देने की जरूरत है, उसके लिए हम सब लोग लगे हैं। माननीय मंत्री जी, जिस तरीके से मिशन जय भीम के माध्यम से करोड़ों लोगों को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का प्रोग्राम का आयोजन होने जा रहा है आने वाले समय में, क्या जो छोटे छोटे संगठन है उन संगठनों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है? देखिए, इसमें सारे संगठन बहुजन समाज के एकजुट हो गए, खुशी की बात है, और 2025 तक 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में घर वापसी कराने का जो हमने संकल्प लिया है, मैं आपके साथ शेयर करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। जिस राज्य में भी जा रहे हैं, मतलब हजारों लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं इस मूवमेंट के साथ, और ये मिशन 2025 10 करोड़ पूरे दुनिया के अंदर अब चर्चा का विषय बन गया है। और मैं समझता हूँ जब एक साल बचेगा तब सबसे बड़ा मुद्दा पूरे दुनिया के मीडिया चैनल पे मिशन 10 करोड़ 2025 ही होगा। जिस तरीके से मिशन जय भीम के माध्यम से 10 करोड़ लोग जो है भारत के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या डिजिटल तरीके से वो दीक्षा होगी, कैसे होगी? देखिए, उसका जो केंद्र होगा जहाँ से ये संचालन होगा वो नागपुर की दीक्षा भूमि होगा, लेकिन जहाँ साल में कभी कभी एक दिन के अंदर लाखों शादियाँ होती हैं, जिन स्थानों पर वो लाखों शादियाँ होती हैं और वहाँ करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, उन सारे स्थानों पर ही ये दीक्षा का प्रोग्राम होगा। देखिए, ये मानसिकता का सवाल है। सच्चाई ये है कि जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे हम भारत के मूल निवासी हैं, और हमारा स्थान हिंदू धर्म शास्त्रों में चौथे वर्ण के भी बाद है। हमें तो अनटचेबल के रूप में बोला गया है, और हिंदू धर्म चार वर्ण में बटा है, और उन वर्णों में जो शूद्र है और अतिशूद्र है उनके लिए कोई स्थान नहीं है, ना उनके लिए सम्मान के लिए कोई स्थान है, ना उनके लिए कोई हक अधिकार है, उनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना है। और वहाँ पे हमारे लोगों के साथ जुल्म जाति कहीं ना कहीं उसको अलाउ किया गया, तो हम ऐसी व्यवस्था में क्यों पड़े रहना चाहते जो हमें गुलाम बनाती हो? हम ऐसी व्यवस्था में क्यों बने रहना चाहते जो हमारा शोषण करती हो? हम ऐसी व्यवस्था में क्यों बने रहना चाहते जो लगातार हमें अपमानित करती हो?
अब समय आ गया ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को, जो हमें इंसानियत का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, उस व्यवस्था को छोड़ेंगे, जाति तो छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और बौद्ध में भारत का निर्माण करेंगे। माननीय मंत्री जी, जिस तरीके से केंद्र की सरकार इस समय भारतीय संविधान को नित रोज जो है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम कर रही है, पूरा प्रयास जारी है और जल्दी हो सकता है वो मुकाम पे। देखिए, हम भारत को लेकिन क्या जो 10 करोड़ लोग वोट करने जा रहे हैं, संविधान खत्म होने से पहले क्या उनको मान्यता मिल पाएगी? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत को संविधान को खत्म करने वाले लोग या तो सुधर जाएंगे वरना वो नहीं रहेंगे भारत में। भारत में रहना है तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा और भारत का जो जो विश्वविख्यात बौद्ध धम्म है, जो पूरे दुनिया में जिसने शांति का, करुणा का, समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय का संदेश दिया है, वो धम्म ही अब पूरे देश को और दुनिया को बचाएगा। अदरवाइज ये जाति और धर्म के जो दंगे हैं, ये भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो जो भारत एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में बुद्ध के समय में, सम्राट अशोक के समय में जाना जाता था, वापस उस भारत की गरिमा को लौटाने का संकल्प हमने, तमाम बहुजन समाज के लोगों ने संकल्प किया है कि हम भारत को वही गौरव वापस लौटाएंगे जो सम्राट अशोक के समय में भारत का गौरव था। अभी ये चलते चलते आखिरी सवाल है कि जिस सली गली व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काफी समय पहले छोड़ा है, आज भी लोग वहीं जा रहे हैं, अपमानित हो रहे, समझ क्यों नहीं पा रहे? देखिए, इसलिए नहीं समझ रहे, उन्हें कोई समझा नहीं रहा है, सब लोग अपने अपने चक्कर में लगे हैं। इसीलिए ये सारे संगठन धीरे धीरे इस आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और पूरे देश में जाके लोगों को समझाना शुरू किया। यकीन मानिए, 3-4 साल के अंदर पूरा बहुजन समाज लगभग 88% पूरा तरीके से एकजुट हो जाएगा और तब तक हमारी अपने समाज को आगे बढ़ाने की आर्थिक नीतियां बनाकर हम अपने आप को आर्थिक सशक्तिकरण अपने दम पर हम लोग कर देंगे। और आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए समय का और निश्चित तौर पर आने वाला समय बहुजनों का है और बाबा साहेब की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होगी, भारत फिर से बौद्ध में बनेगा। बहुत बहुत।